चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की इस वीडियो में लांजी तहसील के अंतर्गत मां पांडरीपाट वारी देवी के मंदिर, जहां पर एक वारी डैम है जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है, और इस मंदिर के बीच में गौशालाएं हैं जहां पर गायों का रखरखाव है। यहां पर बहुत सारे जीव जंतु और यहां पर जो शिलालेख है, वहां पत्थरों से जो कलाकृतियां बनाई गई है, उसका दृश्य हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों से भक्तगण आते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर अपनी इच्छाएं मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आप जा पा रहे थोड़ी तकलीफ में, तो सहायता प्रदान करें। डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, आपको क्या लगता है बस जा पाएगी? कमेंट करके बताएं। फाइनली वी आर रीच्ड इन वारी डैम। तो चलिए हम नजारा दिखाते हैं। ये देखिए हमारा दोस्त यहाँ पर थोड़ा खाना बनाएगा। नाम बता अपना क्या? प्रदीप बसेने। हाँ, क्या कर रहे हैं? खाना बनाने आए हैं। खाना बनाने आया है, मैं घूमने आया हूँ, तो मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। डैम पर घूमने के लिए हमारा नया दोस्त आई एम आकाश बांते। और ये आई एम चमिंग नांगुत्रा फ्रॉम पालाघाट। तो इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, हम दर्शन करते हैं माँ पांडरीपाट वारी देवी के। हम पहुंच चुके हैं लास्ट मुकाम पर। ये चारों ओर का दृश्य जो आपको दिखाया जा रहा है, ये मनोरम दृश्य हमारे आकाश बांटे जी द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ विशेष रखी हुई है जो बाकी सबसे हटके है। देख सकते हैं आप क्या ही दिख रही है। ये श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति, और ये तो क्या ही है। और यहाँ कुछ लोगों की तस्वीर है। ये हमारे श्री राम, एक कन्हैया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कलाकृतियाँ हैं, गायों की, गौशाला की गायें हैं। तो आगे दिखाते हैं, देखिए आगे में क्या है। खरगोश, एक खरगोश है जिनको दाना दिया जा रहा है। तो ये देखिए गायों की थोड़ी तस्वीरें, और ये चूहे, चूहों का भी पालन किया जाता है। मतलब यहाँ देख के तो ऐसे ही लग रहा है। ये स्वामी विवेकानंद जी की कुछ प्रेरणादायक लाइन्स, जिसको आप पढ़ के आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं। अब हम आगे चलते हैं गौशाला, जो हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए गौशाला से पहले क्या है, भंडार है खाने का। जिसको भी भक्तजन को भूख लगती है, वो यहाँ पर अपनी प्यास और भूख तृप्त कर हो सकता है। तो चलिए हम आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको, गौशाला में जो गाय हैं उनका दृश्य। और तो ये है मंदिर परिसर में धूम्रपान निषेध है यहाँ पर। ये देख सकते हैं हमारे नंदी बाबा को, क्या ही सीन है। और उनके पीछे में गायों का साथ पशुपालन किया जाता है। आप देख सकते हैं साक्षात जानवरों को, जो काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं।
बेकार लोग। भैया भाई यहाँ पर क्या है सबसे अच्छा देखने लायक? वाटरफॉल भैया भी बन रहा है, वाटरफॉल ही वाला। और ये सबसे सात अजूबा। अरे भाई क्या ही बता रहे हो। जा रहे हैं एकदम सुनसान एरिया में, ये है वारी मंदिर में एक सुनसान रास्ता जाता है, तो हमें कुछ रहस्य लग रहा है यहाँ। चलिए आपको दिखाते हैं वो क्या रहस्य है। कुछ सुरैली सुरैली आवाज आ रही है, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? शेर या जंगली भालू, सुअर, जंगली सुअर, हिरण, क्या हो सकता? अरे भाई कुछ लड़के थे वहाँ, तो जंगली एरिया में आ चुके हैं हम लोग। आप लोगों को कैसा लगा वारी डैम के पास का ये नज़ारा? तो यदि यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।